बच्चे ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। उस मेडिसिन की वजह से जो उस शैतान ने उन मासूमों को खाने में मिला के दी थी। थैंक यू कुलसुम के तुम आ गई, वरना अब पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब अजीब से वहम आ रहे थे दिल में, मुझसे वहां रुका ही नहीं गया। मैं फौरन ऑफ लेके यहां आ गई और अच्छा ही हुआ कि आ गई, वरना तो न जाने क्या हो जाता। कुलसुम वो वापस तो नहीं आएगा ना? नहीं, क्योंकि मर्द औरत पर उस वक्त तक हावी रहता है जब तक वो उसको कमजोर समझता है, और जिस दिन औरत उसके सामने मुकाबले पे खड़ी हो जाती है तो मर्द को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मुझे उससे बहुत डर लगता है, हर वक्त मुझे धमकियां देता रहता था। ये सब मेरी कमजोरी की वजह से, पहले ये सब कुछ मेरे साथ होता था और अब तुम उसके निशाने पर। मरियम मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है कुलसुम? मेरी ही तो गलती है सारी। अगर मैं उस तूफान का रास्ता पहले ही रोक लेती तो इतनी तबाही ना आती, ना अंदर ना बाहर। खुद को कसूरवार मत ठहरा, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हें देखकर तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जिंदगी से जंग कैसी लड़ी जा सकती है, वरना मैं तो कब के हथियार डाल चुकी हूँ।